फ्रेंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू चिल्ड्रन। बच्चों, अभी जो हमने ये चैप्टर पढ़े इसमें आपने देखा था कि कैसे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उसने अपने पीठ पर 50 कोड़े खाए। और अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। इसके शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है प्रबंध। प्रबंध यानी क्या होता है? इंतजाम। प्रबंध यानी क्या होता है? इंतजाम। आश्चर्य, आश्चर्य यानी हैरानी, आश्चर्य यानी हैरानी। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट यानी जायकेदार, स्वादिष्ट यानी जायकेदार। तुरंत, तुरंत यानी फौरन, तुरंत यानी फौरन। व्यंजन, खाने की चीजें, व्यंजन यानी खाने की चीजें। असमंजस, असमंजस यानी दुविधा में, असमंजस यानी दुविधा में। अतिरिक्त यानी अलावा, अतिरिक्त यानी अलावा। सम्मान, सम्मान यानी आदर, सम्मान यानी क्या होता है? आदर। स्वीकार, मंजूर, स्वीकार मंजूर। शेष यानी बाकी। अब है हमारे आकर्षक। दावत उर्दू फारसी का, इनाम उर्दू फारसी का, खुश उर्दू फारसी का, काफ़ी उर्दू फारसी, हुक्म उर्दू फारसी, किस्सा उर्दू फारसी। तो ये हो गए हमारे आगत शब्द जो कि उर्दू फारसी शब्द के हैं। अब है वर्तनी वैभिन्न। वर्तनी वैभिन्न, मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनी। मानक वर्तनी में है व्यक्ति, तो अब आप व्यक्ति पहले कैसे लिखते थे? इस तरीके से लिखते थे। अब ऐसे नहीं लिख के हमें ऐसे लिखना है। बोलने में सेम लगते हैं पर हमारे को लिखने में अंतर है। अब है द्वार, द्वार, तो आप द आधा बना के हलंत लगा के लिखेंगे। अंत, अंत में आधा न लगा के बिंदी लगाएंगे। प्रबंध, प्रबंध में आधा न आएगा। अंदर, अंदर में ऊपर बिंदी आएगी। व्यंजन, तुरंत। तो बच्चों ये हो गए आपके वर्तनी विभिन्न वाले शब्द। शब्द, शब्दार्थ हो गए, आगत शब्द हो गए और मानक वर्तनी शब्द हो गए। अब आप पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 43 ओपन करें। धनी व्यक्ति को किस बात का शौक था? धनी व्यक्ति को किस बात का शौक था? धनी व्यक्ति को दावत देने का शौक था। दावत के लिए किस चीज़ का प्रबंध नहीं हो सका था? दावत में सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बने थे परंतु मछली नहीं बन पाई थी, इसलिए मछली का प्रबंध नहीं हो सका। मछुआरे को अंदर जाने से किसने रोका? मछुआरे को अंदर जाने से दरबान ने रोका, जो कि दरवाजे पे खड़ा हुआ था। दरबान को क्या सजा मिली? दरबान को 50 कोड़े इनाम में मिले, क्योंकि वो क्या चाह रहा था? वो आधा इनाम चाह रहा था और उसे जाने भी नहीं दे रहा था। धनी व्यक्ति ने क्या घोषणा करवाई? धनी व्यक्ति ने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति झेंगा मछली या मछली का प्रबंध करेगा उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। मछुआरा क्या पकड़ के लाया? मछुआरा मछली पकड़ के लाया। कौन सी मछली थी बच्चों? वो झेंगा मछली। दरबान ने क्या शर्त लगाई? दरबान ने उससे कहा कि अगर तुम अंदर जा सकते हो परंतु मेरी ये शर्त है कि तुम्हें जो इनाम में धन मिलेगा, जो भी आपको इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे दोगे। मछुआरे ने इनाम में क्या मांगा? मछुआरे ने इनाम में कोड़े मांगे। सेठ जी को किस बात पर आश्चर्य हुआ? सेठ जी को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि कोई तो इनाम में धन मांगता है, दौलत मांगता है, पर ये कोड़े मांग रहा है। सेठ जी को किस बात से खुश हुए? सेठ जी इस बात से खुश हुए कि आज भी दुनिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कोई व्यक्ति है और उसने अपनी ईमानदारी से भ्रष्टाचार को ख़त्म करा और सामने लेके आया। अब इस सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना है। सेठ जी को दावत के लिए कौन कैसी मछली चाहिए थी? झेंगा, मेंगा या नील? तो आप कौन सी टिक लगाएंगे? झेंगा। मछुआरे को अंदर जाने से किसने रोका? माली ने, दरबान ने या चपरासी ने? तो मछुआरे को अंदर जाने से दरबान ने रोका। मछुआरे की पीठ पर कितने कोड़े लगे? मछुआरे की पीठ पर 50 कोड़े लगे। इनाम किसको मिला? दरबान को, मछुआरे को या सेठ जी को? तो इनाम किसको मिला? मछुआरे को। अब देखिए आप पेज नंबर 45। ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। किसने किससे कहा? दरबान ने मछुआरे से कहा। वह क्या शर्त है? मछुआरे ने दरबान से कहा, मुझे इनाम में धन नहीं 100 कोड़े चाहिए। मछुआरे ने सेठ जी से कहा।
बाकी 50 कोड़े दरबार की पीठ पर लगवाए जाएं। मछुआरे ने सेठ जी से कहा। तो बच्चों ये हो गए आपके कथन, किसने किससे कहा। अब आप यहाँ देखिए लिंग बदलो और वचन बदलो। मछुआरा मछुआरिन, माली मालिन, धोबी धोबिन, नौकर नौकरानी, राजा रानी। अब एक वचन और बहुवचन। मछली मछलियाँ, नदी नदियाँ, जलेबी जलेबियाँ, कोड़ा कोड़े। अब आपको ये जो वाक्य दे रखे हैं ये वाक्य आपको बनाने हैं। इन वाक्यों में आपको हैरान, इनाम, मछली और ईमानदार वाक्य को लेके आपको वाक्य बनाने हैं। हैरान, मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। इनाम, सेठ जी ने मछुआरे को इनाम दिया। मछली का प्रबंध दावत में नहीं हो सका। इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ईमानदारी, मछुआरा ईमानदारी से काम करता था। तो बच्चों ये हो गए आपके इसकी एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 44 पे 45 पे है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने आपको समझा दिए। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर के अलावा मैं आपको इसका रिटर्न का है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी। जिन बच्चों ने कर रखे हैं वो मत करना और जिन्होंने नहीं किए हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।